तीसरी मीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये बुनाई आपको बताऊंगी। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये आप किसी भी कोटी में, स्वेटर में या बच्चों के सूट में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आइए चलते हैं, ये डिजाइन हम कैसे बनाएंगे ये बताती हूँ मैं इसमें। देखिए दोस्तों, अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इसमें हम इवन नंबर के फंदे डालेंगे, जितने भी आपको जरूरत हो बस वे इवन नंबर में होने चाहिए। मैंने इसमें दो सिलाई सीधी बना ली है, आप बॉर्डर बना ले जितना जरूरत है। और अब मैं डिजाइन इसको स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, जहां से हम बॉर्डर बनाते हैं उसके ऊपर से ही। देखिए अब हम बनाते हैं इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। ये पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे ऐसे, फिर दो फंदे उठाएंगे, इनको हम बुन लेंगे पीछे से ही सीधे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, इनको हम उतारेंगे नहीं जो सिलाई पे हैं ये फंदे, फिर एक बार और इनको बुनेंगे ऐसे, फिर धागा एक बार और आगे करेंगे, फिर एक बार इन दो फंदों को बुनेंगे ऐसे, पीछे से ही ये बुनने हैं तीनों बार, और इन दो फंदों को हम तीन बार बुनेंगे, और तीन दो फंदे से हम पांच बनाएंगे। ये तो स्लिप किया हुआ हमारा फंदा, देखिए एक, ये हमारे पांच फंदे बन गए, एक दो तीन चार पांच। इसी तरीके से ये आगे हम बनाएंगे, देखिए दो फंदे फिर उठाऊंगी, दो को बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, दोबारा फिर बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक बार और बुन लेंगे ऐसे। ये थोड़ा लूज लूज करके बुनना है, जिससे ये फिर डिजाइन अच्छा बने। लूज हम बनाएंगे तो ये थोड़ा डिजाइन अच्छा बनेगा, पप इसका अच्छा बन जाएगा ऐसे ही। फिर दो फंदे उठाएंगे, फिर इनको हम बुनेंगे, पीछे से ही बुनने हैं सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक बार और बुनेंगे। ये ध्यान रखना कि इनको हम तीन बार बुनेंगे ऐसे। फिर दो फंदे उठाएंगे, एक बार बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दूसरी बार बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर तीसरी बार बुनेंगे। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई हमें बुननी है, ऐसे ही पांच पांच फंदे होते चले जाएंगे दो से, देखिए एक दो तीन चार पाँच। इसी तरीके से ये पांच पांच फंदे हमारे बनते चले जाएंगे दो फंदे से, ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे।
ये लास्ट वाला फंदा रह गया, इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे, सीधे की साइड सीधा और उल्टे की साइड उल्टा। देखिए ये डिजाइन बनना शुरू हो गया हमारा। अब हम दूसरी सिलाई करेंगे। ये डिजाइन दो सिलाइयों में ही कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब ये सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट फंदा है ये भी हम ऐसे ही उतार लेंगे जैसे हमने पहले वाली सिलाई में उतारा था। फिर हम धागा पीछे कर लेंगे। फिर देखिए ये हमारे पांच फंदे हैं, दो से हमारे पांच बने थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पांच में से हम दो फंदे उठ लेंगे ऐसे और दो को सीधा बुन लेंगे ऐसे पीछे की साइड ऐसे। फिर इन दो को उतार लेंगे, फिर धागा आगे की साइड करेंगे। फिर ये तीन फंदे जो बचे हैं इन तीन का उल्टा बुन लेंगे हम आगे की साइड ऐसे। देखिए ये पांच से फिर दो फंदे हो गए हमारे, ये तो स्लिप किया हुआ था और ये दो फंदे, दो से हमने पांच बनाए थे फर्स्ट रो में, अब सेकंड में हम पांच से दो बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये पांच में से दो फंदे लेंगे, ये पीछे की साइड सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये जो तीन फंदे हैं इनका एक बना लेंगे उल्टा ऐसे। बस ये ध्यान रखना कि इसको थोड़ा लूज लूज बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो को हम सीधा बुन लेंगे दो फंदों को धागा आगे करेंगे, फिर तीन को एक बना लेंगे। पहले दो का एक बनाएंगे, फिर धागा आगे करके फिर तीन का एक बनाएंगे। इसी तरीके से इन पांच फंदों से हम दो बना लेंगे। ये देखिए दो का एक करेंगे पहले पीछे की साइड सीधा, फिर धागा आगे करके फिर तीन का एक करेंगे। इसी तरीके से यह पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे सेकंड वाली। देखिए ये लास्ट वाला फंदा रह गया, इसको हम उल्टा ही बना लेंगे, उल्टे की साइड उल्टा बना लेंगे और सीधे की साइड सीधा। ये इस साइड उल्टा डिजाइन है हमारा और इस साइड सीधा। देखिए ये ऐसा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये बनाने के बाद बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता है। देखिए इसी तरीके से आप इसे पूरा करते जाएं सिलाई को। ये दो ही सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा, एक बुनाई दो सिलाई में ही आ जाती है। देखिए दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।